उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 यानी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन बिल 2024 पास हो गया है। इस बिल के तहत लव जिहाद करने वालों को अब उम्र कैद तक की सजा होगी। पेश किए गए नए बिल में कई नए प्रावधान लाए गए हैं। बता दें, इस बिल के तहत धोखे से या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन और शादी करने पर अब 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। साथ ही नाबालिग या SC ST महिला के साथ अपराध पर 5 से 14 साल की जेल और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गलत तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की जेल के साथ 1,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि मुस्लिम धर्म के लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आइए आपको ये भी बता देते हैं। इस मामले पर मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना उमेर खान का कहना है कि वो इस कानून के पक्ष में है, हालांकि उन्हें नाम से आपत्ति है। देखिए, मैं कानून की हिमायत करता हूँ, कानून के पक्ष में हूँ, लेकिन नाम पर मुझे आपत्ति है। जिस नाम से इन्होंने ये कानून को पारित किया है उससे कहीं ना कहीं मुझे एतराज है, क्योंकि इससे इस नाम से सिर्फ ये महसूस ये ज्ञात होता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाएगा। और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अभी कुछ दिनों पहले कानून पास हुआ था लिंचिंग को लेकर के, और 1 जुलाई से वो लागू भी हुआ था, ऐसे ही कानून पास होता कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर अगर कोई किसी को मारेगा तो उसको सजा होगी, इसी तरह से अगर कोई जबरन किसी भी मजहब की, ख्वाह वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैनी हो, लिंगायत हो, कोई हो, अगर वो धर्म के आधार पर जबरन लड़की को लेकर जाएगा तो उसके लिए एक समान कानून हो और उसमें जितना कड़ा कर सकते हैं उतना कड़ा हो। लेकिन जिस तरह से इसको नाम दिया गया है, इससे ये महसूस होता है कि इससे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। और आपके चैनल के जरिए मैं ये भी कहना चाहता हूं उन तमाम नौजवानों से जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को, अपने समाज को धोखा देकर के दूसरों की लड़कियों को लेकर जाते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने माँ बाप के सगे नहीं हो सकते तो आप दूसरों के समाज के और दूसरों की बहन बेटियों के भी सगे नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों को सजा तो होनी चाहिए और कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसा नाम रखे जिससे किसी को पीड़ा ना हो, तकलीफ ना। पुराने बिल के मुकाबले लव जिहाद का ये नया बिल बेहद अलग है। इससे पहले लव जिहाद के लिए क्रिमिनल कानून में 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना शामिल था। आरोपी को ये सजा दी जाती थी। लव जिहाद पर नया बिल धर्म परिवर्तन के अपराधों की गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। सजा और जुर्माने की राशि को तो बढ़ाया ही गया है, साथ ही जमानत के लिए भी कड़ी शर्तों के प्रावधान किए गए हैं। सरकार इस कदम से सभी धर्म की नाबालिग, दिव्यांग और मानसिक रूप से पीड़ित लड़कियों और महिलाओं को भी लव जिहाद की बेड़ियों में बंधने से रोकना चाहती है। लोकल 18 के लिए अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट।